हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू व्याख्या एडू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए पूरी जानकारी के लिए। इस वीडियो में हम कम समय लेते हुए बात करते हैं कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, ठीक है। हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे मार्क्स जो हैं अच्छे आएँ, ठीक है, और हम पेपर में कोई भी गलती ना करें। तो इनमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कि जो हमें ध्यान में रखनी है अपनी तैयारी के वक्त, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल जो होना चाहिए हमारा, जितने हमारे पास डे बचे हैं अभी, ठीक है, एक महीना, डेढ़ महीना या 20 दिन, 10 दिन, जितने भी बचे हुए हैं, उन दिनों को लेकर हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। हमारे जितने सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से हमें डिवाइड करने चाहिए सब्जेक्ट्स को, ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट को कुछ दिन जो है वो अलॉट कर देने चाहिए कि हमें इतने दिन में ये सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म करना है, ठीक है, और साथ साथ रिवीजन करना है। तो हमें टाइम टेबल ये बनाना होगा अच्छी तरह, और डे में कितने घंटे पढ़ना है, हमें एक दिन में कितने घंटे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, टाइम टेबल पे। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको रेगुलर पढ़ना होगा और टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ना होगा, ठीक है। जब अगर टाइम टेबल बन जाता है, उसके बाद आते हैं हमें पढ़ना कैसे है। तो सेकंड चीज़ ये है कि आपने चैप्टर्स तो अभी तक पढ़े होंगे, सारे ही पढ़े होंगे, आपने कोर्स ख़त्म कर लिया होगा, ठीक है, कुछ चैप्टर आपको नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमें जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है, उन्हें तो करना ही है साथ में, बट जो हमें अच्छी तरह आते हैं उन्हें साथ साथ करते रहना है। जैसे कि जो नहीं आता आपको मैथ में, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, मैथ में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को करना है, ठीक है, एंड उसके साथ साथ उन सब्जेक्ट्स को भी करना है जो आपको अच्छी तरह आते हैं, या फिर उस चैप्टर को भी साथ साथ करना है जो आपको अच्छी तरह आते हैं, ठीक है, उसे रिवाइज़ करना है, और जो नहीं आता है उसे आपको समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पढ़ते वक्त हमें फॉर्मूला लिस्ट, जैसे कि आज एक चैप्टर पढ़ा आपने किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपने उस सब्जेक्ट के जो पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स जो होते हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए एक पेज में, और जो भी फॉर्मूले हैं उसमें, चाहे साइंस में हो चाहे मैथ में हो, उन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको करना है कि फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट बनानी है आपको, जिससे कि आपको ये काफ़ी मदद करेगा जब आपका रिवीजन, जब आपकी पढ़ाई सारी हो जाएगी, ठीक है, फिर 10 दिन जो बचेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, उसमें आपको ये फॉर्मूले एंड जो मेन पॉइंट्स आप जो रखोगे अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो आपको वो रिवीजन के काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स आपको बहुत ज़रूरी हैं साइंस में, खासकर साइंस में डायग्राम आते ही आते हैं लगभग, ठीक है, एक या दो, ठीक है, तो वो आपको डायग्राम्स भी याद करने हैं, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन से डायग्राम रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ थी, हमें पहले टाइम टेबल, उसके बाद फॉर्मूला लिस्ट बनानी है पढ़ते वक्त, एंड शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि रिविज़न में काम आए, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये सारा कुछ होता जाता है, तो साथ ही साथ हमें उसी दिन में, जैसे कि आपने जो भी चैप्टर कम्प्लीट किया या जो भी सब्जेक्ट कम्प्लीट किया, हो जाए सब्जेक्ट कम्प्लीट, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, जो कि आपके जो पिछले साल के 10 ईयर के जो हुए होंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। आप बुक्स ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, तो वो आपको करने होंगे। ये तो चीज़ हमारी होगी पढ़ने की, बट काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम किससे पढ़ें, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम आता है तो बच्चे काफ़ी बुक्स, अपनी एनसीईआरटी बुक्स को छोड़कर दूसरी बुक्स पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें अपनी फोर्थ जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना है, हमें अपनी एनसीईआरटी सबसे पहले ख़त्म करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा मेन बुक है, ठीक है, इसे ही आपको अच्छी तरह कम्प्लीट करना है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, बुक से ही आ जाते हैं कभी कभार सेम टू सेम, ठीक है, कभी कभार वैल्यू चेंज हो जाती है, बट मेथड वही रहता है। तो आपको एनसीईआरटी
अपनी अच्छी तरह पहले करनी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी बुक्स ना करें, बट आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलता है फिर करना है। बट मेरे हिसाब से आपके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप बस एनसीईआरटी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही कीजिए बस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि आप जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसे पेपर से 10 दिन पहले तक कंप्लीट कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। जो भी आपका है सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 10 डेज बिफोर, ठीक है, राइट। 10 दिन पहले एग्ज़ाम से आपके सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो 10 डेज जो बचे होंगे वो आपको रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फार्मूला लिस्ट बनाई होगी, उसको आप रिवाइज करोगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जब भी सॉल्व करें तो उसे आप टाइम लिमिट के अंदर ही सॉल्व करें, जैसे कि जो जितने भी घंटे आपको मिलते हैं एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। जैसे कि आपको 3 घंटे अगर मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको वो 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बिना देखे ही सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं समझ में आता है फिर आप उसके बाद उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा कि आप टाइम लिमिट के अंदर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, एंड कर सकते हैं। उसके बाद 6 चीज़ ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे अपने फ्रेंडों के साथ डिस्कस करें, ठीक है। डिस्कस ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ होंगी, ठीक है, और आपके अंदर एक तरह से वो घुस जाएंगी सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और आपसे आपके दोस्त की भी हेल्प होगी एंड आपके दोस्त के द्वारा आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है छठी। उसके बाद 7th है कि आपकी हैंड राइटिंग जो होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं उसे आप कोशिश कीजिए साफ लिखें, सुंदर लिखें। डायग्राम जो बना रहे हैं वो आप नीट एंड क्लीन बनाने चाहिए, ठीक है। डायग्राम को पेन से मत बनाने की कोशिश करना। वैसे कोई रूल नहीं है कि नहीं बना सकते, बट आप नहीं बनाना, क्योंकि पेंसिल से आप बनाओगे तो आप उसे इरेज भी कर सकते हो अगर आपका कुछ गलत भी होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड 8वीं जो चीज़ है, आपको इस टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप एंड जो भी सोशल मीडिया हैं साइट्स, उनको आपको नहीं चलाना है। तो FB, व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना है अभी खासकर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी ना यूज़ कीजिए, कीजिए बट कम कीजिए, और सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए ही कीजिए। ऐसे नहीं कि आप चैटिंग कर रहे हैं रात रात भर या दिन दिन भर, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते वही करते हैं, जैसे जो बच्चों को आप जो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना है एंड उन्हें समझ में आ रही हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, और जो सीरियसली कर रहा होगा प्रिपेयर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, वो नहीं करेगा यूज़ इन सब चीज़ों का, ठीक है। मेरा काम है बताना, वो आपके ऊपर है, अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, ठीक है। तो फेसबुक इन सब चीज़ों पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। और 9th जो है पॉइंट, वो है आपकी हेल्थ। हेल्थ का आप काफ़ी ध्यान रखिए अपना, ठीक है। अगर हेल्थ जो है ख़राब रहेगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बीमार होंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपके जो टाइम टेबल से जो टाइम है वो भी आपका ख़राब होता जाएगा और आप ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि बुक में से, जो मैथ की जो बुक है उसमें से आपको क्या करना है, पहले कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें से बताता हूँ, ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, तो इसमें जैसे कि मैं कोई सा भी चैप्टर आपको लेके बताता हूँ कि इसमें कैसे करना है आपको। जैसे कि मैं देखता हूँ इसमें, तो ये जो बुक है इसके अंदर आपको लास्ट में जो आपको समरी दी होती है, ठीक है, हर चैप्टर के जो एंड में समरी दी होती है, यही हमारे शॉर्ट नोट्स में आने चाहिए पॉइंट्स, यही हमारा शॉर्ट नोट्स होते हैं एक तरह से, ठीक है, जिसमें आपको ये सारे एक बार में ही सारा चैप्टर आपको दिख जाता है। ये पर ये जब भी हेल्पफुल होगा जब आपको पहले से चैप्टर पता होगा, सिर्फ ये रिवाइज़ करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है चैप्टर, आपने पढ़ाई नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको पहले चैप्टर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ये आपको काम आएगा। तो हर चैप्टर से आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। आप लास्ट में देखोगे किसी भी चैप्टर के, तो वहाँ पे फॉर्मूला
दिए होते हैं, ठीक है, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट से उठा के, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ से समरी में दिए हुए हैं यहाँ से, तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। अपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो वहाँ उसमें बनाते वक्त ये काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, ये एपी के हैं, ठीक है, एपी के सम के दोनों हो गए एंड ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखने की बुक से आपको कैसे करना है। और उसके साथ साथ आपको मैंने आपको एक बार बताया भी था व्हाट्सएप पे, काफ़ी बच्चों को मैंने बताया है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि मैं उन्हें जब भी बताता हूँ तो उन्हें यही बताता हूँ कि अपने जो एग्ज़ाम्पल्स हैं बुक के उन्हें सॉल्व करके समझिए क्वेश्चन को एंड उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये ध्यान रखिए जो भी एक्सरसाइज होती है उसके जो क्वेश्चन होते हैं उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे एग्जाम्पल उस एक्सरसाइज पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर जो भी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स हैं अगर उन्हें आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आती है तो इसका मतलब है आपको वो एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स जो हैं और ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, ये सिर्फ टेंथ के लिए नहीं है, ये ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी बातें, ठीक है। तो आप को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को जिससे कि और भी बच्चों को ये हेल्पफुल हो, ठीक है। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो 9871177479 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे लाइक करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप लाइक कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स नया है इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को जिससे कि आपको कोई भी जो न्यूज़ है या जो भी चीज़ें अपडेट्स है वो आपको जल्दी से जल्दी पता लगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको मिलूँगा उस नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ भी नया बताऊँगा और आप जो भी पूछना चाहते हैं जो भी आपके सजेशंस हैं या जो भी है कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय।